नमस्कार वणक्कम सत श्री अकाल, कैसे हैं आप प्रभु लोग। प्रो कबड्डी में जैसे जैसे रोमांच बढ़ रहा है, जैसे जैसे इतने क्लोज मैचेस हो रहे हैं, टाइज हो रहे हैं, आखिरी रेड के कितने सारे ड्रामास हमने देख लिए, सब कुछ हमें बता रहा है कि ये सीजन शायद अब तक का सबसे टफ सीजन है। वो इसलिए क्योंकि जो नीचे की छह टीम्स हैं वो ऊपर आ रही हैं, ऊपर की टीम जो लगातार अच्छा खेल रही थी वो अब धीरे धीरे संघर्ष कर रही हैं। यानी कि जब तक 22 मैचेस हर टीम नहीं खेल लेती, ये कहना और मानना बड़ा मुश्किल है कि कौन सी टॉप छह टीम्स बनेंगी जो आगे प्लेऑफ में जाएंगी। स्वागत आप सबका एक्सचेंज 22 प्रेजेंट्स सुनील के सूत्र में। और मैंने सोचा आज पिछले सीजन वाला एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये टीवी के जरिए और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए आज के सूत्र में पेश करने की कोशिश करता हूं। बहुत बड़े दो मुकाबले हैं और जो खास तौर पे पहला मुकाबला है वो आपके लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए बड़ा खास है, क्योंकि सबसे पुरानी राइवलरी, सबसे पुरानी दुश्मनी जिन दो टीम्स में बनी थी वीवो प्रो कबड्डी में, वो हैं यू मुंबा और जयपुर पिंक पैंथर्स। सीजन एक का फाइनल इन दोनों में हुआ था, जयपुर जीती थी, नवनीत गौतम कैप्टन थे, जसवीर सिंह स्कॉर्पियन किक, किस किस को याद है हाथ खड़ा करो, माइटी मनिंदर इस टीम के लिए खेलते थे, रोहित राणा, रण सिंह, प्रशांत चवन राइट कॉर्नर, अद्भुत टीम हुआ करती थी। यू मुंबा भी कम अद्भुत नहीं थी, कैप्टन कूल अनूप कुमार उनके कैप्टन थे, स्टूडियो में आजकल जो हमारे साथी हैं रिशांत देवाडिगा टीम के स्ट्राइक रेडर थे, फिर शब्बीर बापू शरफुद्दीन थे, सुरेंद्र मोहित की जोड़ी कॉर्नर्स पे थी, विशाल जीवा कवर्स पे थे। तो अब इनमें से कोई भी खिलाड़ी फिलहाल नहीं खेल रहा है, सिर्फ मनिंदर खेल रहे हैं, वो भी बंगाल में है। तो काफी कुछ बदल गया है, टीमें बदल गई हैं, लेकिन ये दो मुकाबले यू मुंबा बनाम जयपुर पिंक पैंथर्स और पटना पायरेट्स बनाम हरियाणा स्टीलर्स, ये भी बड़ा रोचक मुकाबला है, क्योंकि हरियाणा के कोच पहले पटना के पहले ऐसे कैप्टन बने थे जिन्होंने ट्रॉफी जीती थी वीवो प्रो कबड्डी की, यानी कि मनप्रीत सिंह। तो चलिए इन मुकाबलों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले यू मुंबा और जयपुर पिंक पैंथर्स, इनकी कहानी प्रभु है बड़ी पुरानी। सीजन एक का फाइनल इन दोनों ने आपस में खेला वो एक अलग बात है, लेकिन अभी जो जयपुर पिंक पैंथर्स के कोच हैं संजीव बालियान साहब, यू मुंबा के कोच रह चुके हैं, और अभी जो इनके स्ट्राइक रेडर हैं अर्जुन देसवाल, यू मुंबा में इन्हीं के साथ खेलते थे। अभी जो इनके सपोर्ट रेडर हैं वीए जीत कुमार, अभी अभी यू मुंबा की तरफ से खेला करते थे। तो दास्तानें कम नहीं है इन दोनों टीम्स की, यू मुंबा की, और अगर जयपुर पिंक पैंथर्स की आप किस्मत देखें तकरीबन सेम इनका सूरत हाल है। 10-10 मैच खेले हैं, 6-6 जीते हैं, 4-4 मुकाबले ये टीमें हारी हैं, और स्पेशली वेल डन टू यू मुंबा, कोई सो कॉल्ड स्टार खिलाड़ी इनके पास नहीं है, लेकिन टीम ओवरऑल स्टार की तरह खेल रही है। जयपुर इक्वली वेल डन, जो आपके स्टार प्लेयर थे अर्जुन देसवाल वैसा काम कर रहे हैं, राहुल सपोर्ट दे रहे हैं, सुनील कुमार जो गुजरात में पिछले एक दो सीजन नरम गरम थे, इस बार एज अ कैप्टन, एज अ डिफेंडर कहर बरपा रहे हैं। तो बिल्कुल एक जैसी कहानी इन दोनों टीमों की है। सबसे पहले यू मुंबा का विश्लेषण कर लें। पिछला मैच आप पटना पायरेट से हारे थे, करीब मैच था, 3 पॉइंट से आप हारे थे। उसमें अच्छी बात यह रही, आशीष जो कि आपके सब्स्टिट्यूटेड रेडर हुआ करते थे, इस मैच में स्टार्ट किया था क्योंकि गुमान सिंह नहीं खेले, साथ में जय भगवान, दोनों को 7-7 पॉइंट मिले। दूसरी अच्छी बात, रिंकू और मोहित, रिंकू आपके राइट कॉर्नर हैं, मोहित आपके लेफ्ट कॉर्नर हैं, दोनों ने बढ़िया 3 और 2 टैकल पॉइंट लिए क्रमशः। और स्पेशली स्पेशल मेंशन टू रिंकू, इससे पहले एक बड़ा वो हाई फाइव लगा चुके हैं, 8 उन्होंने टैकल पॉइंट लिए थे, 2 उन्होंने सुपर टैकल किए थे। और मोहित को जब से जगह मिली है किरण मगर की जगह, हालांकि किरण खराब नहीं खेलते थे, पर मोहित जब से आए हैं लेफ्ट कॉर्नर को उन्होंने अपना बनाया है, तो वेल डन। लेकिन अच्छी बात जो नहीं रही, जो टीम के सबसे कंसिस्टेंट डिफेंडर हैं हमारे साडे पाजी सुरेंद्र सिंह, उनको 1 पॉइंट मिला, उनके पार्टनर हरिंदर को भी 1 पॉइंट मिला, आशा है आज बेहतर खेलेंगे। एक और अच्छी बात जो यहां मैंने मेंशन नहीं की, लेकिन गुमान सिंह नहीं खेले और टीम ने बताया कि हल्की फुल्की उनको चोट है, शायद क्या, आशा करते हैं जल्दी वापस आएंगे, लेकिन उनकी कमी टीम को खाली नहीं है, ये अच्छी बात है यू मुंबा के लिए। जयपुर भी पिछला मैच जीत के आए हैं, दबंग दिल्ली को 45-40 से हराया, और आपको याद है अभी कुछ दिन पहले कभी जयपुर नंबर 1 बनती थी, कभी दिल्ली नंबर 1 बनती थी, दिल्ली की रिदम टूटी है और उस टूटी हुई रिदम का फायदा जयपुर पिंक पैंथर्स ने उठाया है। सबसे अच्छी बात यह रही कि तीनों रेडर चले, तीनों चल पड़े, अर्जुन देसवाल टीम के स्ट्राइक रेडर हैं, वो काम भी किया, 16 पॉइंट, राहुल 6 पॉइंट और अजीत कुमार 4 पॉइंट। और स्पेशल मेंशन टू राहुल चौधरी, हमारे सबसे पहले सुपरस्टार जो बने थे प्रो कबड्डी के पहले पोस्टर बॉय, उन्होंने 1000 रेड पॉइंट्स का आंकड़ा भी पार कर लिया है, और शायद पिछले 3-4 दिन में 3-4 खिलाड़ी उसके पार पहुंच गए हैं।
मनिंदर पहुंचे, दीपक निवास हुड्डा पहुंचे, राहुल पहुंचे, और कोई रेडर अगर पहुंचा हो और मैं भूल गया तो बताइएगा। दूसरी अच्छी बात यह रही कि आपका लेफ्ट का डिफेंस अंकुश राठी लेफ्ट कॉर्नर और सुनील टीम के कैप्टन, 4 और 3 टैकल पॉइंट इनको मिले, दोनों के नाम स्पेशल मेंशन है। अंकुश राठी पहला सीजन है, वेरी वेल डन। जिस जगह पहले संदीप धुल लगातार खेलते थे, जहां कभी नवनीत गौतम खेलते थे, रण सिंह खेलते थे, उस जगह को आपने अपना बनाया है पहले ही सीजन में, बड़ा अच्छा फ्यूचर लगता है। और सुनील कुमार एक तो पिछले 2 सीजन की नाकामी को भुला के इस सीजन में शानदार खेल रहे हैं, इस सीजन के अभी भी इफ आई एम नॉट रॉन्ग टॉप डिफेंडर है या टॉप 2 में तो है ही सुनील कुमार, और जो 3 टैकल पॉइंट लिए, दूसरा टैकल पॉइंट जो था उनका करियर का 250वां टैकल पॉइंट था, तो इन्होंने भी एक मील का पत्थर पार किया है। सुनील वेल डन। जो बात अच्छी नहीं रखी, राइट साइड का डिफेंस यानी राइट कॉर्नर और लेफ्ट कवर, ये जोड़ी बहुत अच्छा नहीं खेल पाई। अभिषेक लेफ्ट कवर नए, पहला मैच बड़ा अच्छा खेले थे, प्रदीप को रोका था मुझे याद है, लेकिन साहुल 1 पॉइंट, साहुल ने एक बार बड़ा हाई फाइव जड़ा था, उसके बाद ये जो डिफेंस वाला साइड है इसमें दिक्कतें इनको आ रही हैं। तो क्या उसका फायदा इनकी विरोधी टीम को मिलेगा? विरोधी टीम कौन? यू मुंबा। उनके जीत के सूत्र कहां हैं? सबसे पहले सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो कवर्स की जोड़ी पे है। सुरिंदर टीम के कैप्टन भी हैं, टीम के सबसे कामयाब डिफेंडर भी हैं, और साथ में हरिंदर, जो काम पहले अनूप सुरिंदर के साथ किया करते थे, उनको एडवांस टैकल से रोका करते थे, वो काम अब सुरिंदर को हरिंदर के साथ मिलकर करना पड़ेगा। चेन बनाइए, सेंटर का खिलाड़ी साइड में कीजिए, कब टैकल में नहीं जाना है उसको आपने ध्यान में रखना है। दूसरी बात, अर्जुन को रोकना है, और जो एडवांस टैकल से बचना है ये सबसे प्रमुख चीज है। ऑपरेटिव फ्रेज ये है, क्योंकि अर्जुन एक तो स्किलफुल बहुत हैं, बोनस करते हैं, हैंड टच करते हैं, किक लगाते हैं, टो टच करते हैं, एस्केप तो उनकी शानदार है ही, लंबे भी माशाल्लाह बहुत हैं, तो इन पे तो एडवांस टैकल आप कर नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात, इन फॉर्म रेडर हैं, इनको एडवांस टैकल किया तो आपके डिफेंस को उधेड़ देंगे। तो सुरिंदर का रोल बहुत ज्यादा अहम है, और साथ में चूंकि सामने से राहुल लेफ्ट की रेड भी करते हैं, चलते चलते राइट से लेफ्ट हो जाते हैं, वी ए जीत कुमार तो है ही मान्यता प्राप्त लेफ्ट रेडर, तो इन कवर्स की जोड़ी पे बहुत कुछ तारोमदार है। दूसरी बात, लेफ्ट रेडर्स पे दाव लगाइए, लेफ्ट कुड बी राइट फॉर यू यू मुंबा। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि जो राइट साइड वाला डिफेंस है जयपुर का, राइट कॉर्नर और लेफ्ट कवर बहुत अच्छी फॉर्म में नहीं खेल रहे हैं, तो आपके पास हैदर अली इकरामी हैं, उनका इस्तेमाल कीजिए, गुमान सिंह अगर नहीं भी हैं तो और कम से कम 2 लेफ्ट रेडर के साथ खेलिए। जय भगवान भी लेफ्ट के रेडर हैं, ठीक है, आपको अब आशीष खिलाने पड़ेंगे, अच्छा खेल रहे हैं, और एक आपको राइट रेडर भी चाहिए, लेकिन 3 में से 2 लेफ्ट के रेडर चलाइए, जो जयपुर की कमजोरी आती है डिफेंस में उसका फायदा उठाइए। और एक्स फैक्टर इस टीम के हो सकते हैं आशीष, जिनकी मैंने अभी बात की, पहले सब्स्टिट्यूट आते थे, जब से गुमान को चोट लगी है आशीष टीम के अब परमानेंट मेंबर बन गए हैं। जो काम आकाश शिंदे कर रहे हैं पुनेरी पलटन के लिए, असलम की गैर मौजूदगी में खेले और कमाल खेले, आशीष वही काम कर रहे हैं यू मुंबा के लिए। अब बात करते हैं आपकी विरोधी टीम जयपुर पिंक पैंथर्स की, वो कैसे जीत सकते हैं ये मुकाबला। सबसे पहले अर्जुन जो तीर चलाएं वो लगे निशाने पे, क्योंकि यू मुंबा की जो सबसे बड़ी मजबूती अभी भी मुझे लगती है वो आती है उनके डिफेंस में। राइट कवर सुरिंदर सिंह, लेफ्ट और राइट कॉर्नर दोनों बहुत कमाल का खेल रहे हैं, और तीनों जगह अर्जुन के निशाने होने चाहिए। लेफ्ट कॉर्नर को अंदर जाके आप हैंड टच करें या टो टच मारें, सुरिंदर को टेम्प्ट करके बाहर बुलाएं, क्योंकि पाजी के अंदर टेम्प्ट होने की प्रवृत्ति है। राइट कॉर्नर पे रिंकू के डबल थाई होल्ड से बचें। तो अर्जुन सबसे बड़ा काम करना है, विरोधी टीम के डिफेंस को तहस नहस आपको करना है, अगर ये हो गया तो टीम की जीत काफी हद तक पक्की हो जाएगी। दूसरी बात, अंकुश राठी मेरे लिए हो सकते हैं टीम के ब्रह्मास्त्र, जो आपके लेफ्ट कॉर्नर हैं, क्योंकि सामने वाली टीम यू मुंबा अभी भी उनके रेडर्स, भले ही डिफेंस उनको मैच जितवाती है, लेकिन रेडर अच्छी फॉर्म में आए हैं, जय भगवान, आशीष, हैदर अली इकरामी, आप इग्नोर नहीं कर सकते उनको। तो अंकुश का रोल राइट रेडर्स के लिए भी और लेफ्ट रेडर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एडवांस भी काफी जाते हैं। अगर लेफ्ट रेडर आते हैं तो उनपे प्रेशर बनाने का काम लेफ्ट कवर से ज्यादा लेफ्ट कॉर्नर को करना पड़ेगा, क्योंकि आपके लेफ्ट कवर जो है अभिषेक ज्यादा अच्छी फॉर्म में नहीं है, तो उनको ओवरलैप करके खेलिए ताकि लेफ्ट रेडर्स पे प्रेशर बने। ये है पहले मैच की दास्तान। दूसरा मैच होने वाला है प्रभु पटना पायरेट्स और हरियाणा स्टीलर्स के बीच में। मनप्रीत सिंह बनाम उनकी पहली टीम जो थी वीवो प्रो कबड्डी में। पटना पायरेट्स 10 मैचेस 4 जीते हैं, पर अच्छी बात यह है कि पिछले 5 मैचों में कोई हारे नहीं है। शुरुआत बहुत खराब रही थी, पिछले सीजन के फाइनलिस्ट थे, लेकिन अब धीरे धीरे अपनी जीत की लय में, अपने टीम के कॉम्बिनेशन में वो आ रहे हैं। हरियाणा भी सेम चीज, 10 मैच 4 जीते हैं, पर इनकी अगर हालिया फॉर्म देखें,
हारे हैं, जीते हैं, टाई किया, जीते हैं, टाई किया, तो क्लोज मैचेस, टाई वाले मैचेस को फिनिश करने में अभी तक इनको दिक्कत हो रही है, पर ये मैच होगा बड़ा कमाल का। सबसे पहले बात करते हैं पटना की, यू मुंबा के खिलाफ आप खेले थे और 34-31 से पिछला मैच ये जीत के आए हैं। अच्छी बात क्या रही, सचिन तंवर लगातार बेहतर खेले हैं, पिछला सीजन भी यहां खेले थे, उससे पहले तो ये मनप्रीत के साथ खेलते थे जो आज इनके विरोधी कोच होने वाले हैं, पर इस सीजन में कमाल उन्होंने किया, एक और सुपर 10 जड़ा, 12 पॉइंट लिए, दोनों कॉर्नर अच्छा खेले, बड़ा अच्छा लगा सुनील नरवाल को, ओ एक और सुनील अच्छा खेले, थैंक यू सुनील नरवाल, हाई फाइव लगाया, 6 पॉइंट लिए, लेफ्ट कॉर्नर पे पटना के शादीलाल शादलू उनको 3 पॉइंट मिले। तो जब कॉर्नर चलने लगते हैं, जब कॉर्नर्स का कॉम्बिनेशन सेट हो जाता है, तो कोच रात को आराम से सो सकते हैं। जो चीज अच्छी नहीं रही, रोहित गुलिया, एक और मनप्रीत के शागिर्द, वो इस मुकाबले में नहीं खेल पाए, अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी मिली नहीं, हो सकता है कोई छोटी मोटी चोट हो। दो डिफेंडर्स अच्छा खेले, सुनील और शादलू, लेकिन जो बाकी जो कवर्स के डिफेंडर हैं उन दोनों को मिला के मिले 2 पॉइंट, तो उनको गेम में आना पड़ेगा, क्यों मैं आगे बताऊंगा। सबसे पहले बात हरियाणा से, हरियाणा की बात है, यूपी से आप 36-36 का टाई खेल के आए हैं, जैसे हरियाणा का पुनेरी पलटन से वो लास्ट रेट ड्रामा हुआ था, यूपी के साथ भी ऑलमोस्ट वही हुआ, अंत में जाके मैच फंस गया और फाइनली टाई से संतोष करना पड़ा दोनों टीमों को। अच्छी बात क्या रही थी, मीतू लगातार बेहतर खेले हैं, रियली वेल डन मीतू शर्मा, हरियाणा के साथ ही करियर शुरू किया था और लगातार अब इस टीम के साथ आप स्टार बन रहे हैं। मंजीत उत्कृष्ट नहीं लेकिन बढ़िया खेले, 7 रेड पॉइंट लिए, एक अच्छा टैकल किया था और टैकल करते करते 2 बार आउट भी हुए थे, सुरेंद्र गिल ने इनको परेशान किया था, लेकिन कवर्स इनके चमके हैं। अगर कॉर्नर चमके हैं पटना के, तो हरियाणा के कवर अच्छी फॉर्म में है, जयदीपुर मोहित की जोड़ी, जैसे मनप्रीत ने सुनील और प्रवेश की जोड़ी बनाई थी, यहां पर हरियाणा में जयदीपुर मोहित की जोड़ी बनाई पिछली बार राकेश कुमार ने थी, उनको चमकाने का काम कर रहे हैं मनप्रीत सिंह। मोहित ने हाई फाइव लगाया, जयदीप ने 3 पॉइंट लिए, लेकिन यहां कॉर्नर नहीं चले, नितिन रावल 1 पॉइंट, आमिर हुसैन बस्तामी एक मैच पहले हाई फाइव लगाया था, इस बार खाता भी नहीं खोला, यही माया है प्रो कबड्डी की। अब बात करते हैं पटना पायरेट्स की, जीत के सूत्र इनके लिए कहां रहने वाले हैं, नीरज जो राइट कवर हैं प्लस 2 कॉर्नर, आपके हाथ में है जीत का सूत्र, क्योंकि मीतू और मंजीत पर अगर जीत मिली तो आप जीतेंगे, क्यों, क्योंकि हरियाणा के लिए अभी भी मैच विनर उनके रेडर हैं, मीतू लगातार सुपर 10 लगा रहे हैं, मंजीत अब सपोर्ट रेडर की भूमिका में आ गए हैं और दोनों राइट के रेडर हैं, तो राइट कवर कौन, नीरज जो अच्छी फॉर्म में नहीं है, पर दोनों कॉर्नर्स के साथ अगर कंबाइन करेंगे तो इन दोनों रेडर को आप रोक भी सकते हैं और रोकना बहुत बहुत जरूरी है। सचिन तंवर हो सकते हैं ब्रह्मास्त्र, अब ब्रह्मास्त्र की काट उधर मनप्रीत सिंह के पास है क्या, क्योंकि मनप्रीत ने ही सचिन को खोजा था, उनको गुजरात जायंट्स में लेके आए थे और उनको स्टार बनाया था, लेकिन क्या वो कोच की सोच से एक कदम आगे, नहीं, क्या वो कोच की सोच से 2 कोस आगे निकल गए हैं, ये इस मैच में देखना होगा रोचक। हरियाणा स्टीलर्स के लिए क्या जीत के सूत्र हो सकते हैं, सबसे पहले कॉर्नर्स की सफाई करनी है आपको, कमरे के नहीं डिफेंस के, क्योंकि शादलू और सुनील दोनों कमाल की फॉर्म में हैं और ये काम करेंगे मीतू और मंजीत मिलके। मंजीत की खूबी ये है कि वो डिफेंस के अंदर डीप तक जाके रनिंग हैंड टच करके या डिफेंडर की पकड़ से बच के एस्केप करके बड़ा अच्छा आते हैं। मीतू जंप बड़े अच्छे लेते हैं, हिरण की तरह खरगोश की तरह दौड़ते हैं और अगर सुनील एडवांस आए उनको टैकल करने तो उनके ऊपर से क्या जंप लगा के आप कॉर्नर्स को साफ कर सकते हैं, हो गया तो मजा आ जाएगा। दूसरी बात, सचिन को दें सरप्राइज, कौन, मोहित, मोहित आपके राइट कवर हैं और सचिन चूंकि दौड़ते बड़ा अच्छा है लेफ्ट से राइट कॉर्नर, क्या अचानक से आप बाहर निकल के डबल थाई होल्ड कर सकते हैं, सचिन उम्मीद कर रहे होंगे चेन टैकल की या डैश की, क्या सचिन को थोड़ा सा कवर अगर पीछे हटे तो सचिन दूसरे कॉर्नर की तरफ जाने में सोचें, क्या सरप्राइज अटैक कर सकते हैं, क्योंकि कबड्डी में जीत का सबसे बड़ा सूत्र ये होता है कि अपने विरोधी से एक कदम आगे आप कैसे रहेंगे। ब्रह्मास्त्र एक्स फैक्टर हो सकते हैं मंजीत दहिया, जो एज अ रेडर अपनी फॉर्म धीरे धीरे वापस पा रहे हैं पर एज अ डिफेंडर एंकल होल्ड बड़ा अच्छा करते हैं, आउट भी 1-2 बार होते हैं लेकिन विरोधी रेडर्स को परेशान ये कर सकते हैं। क्या मोहित की जगह मंजीत वो काम कर सकते हैं, सचिन को एंकल होल्ड करने का काम कर सकते हैं, क्योंकि सचिन लेफ्ट कॉर्नर लेफ्ट इन के नीचे से बोनस बड़ा अच्छा करते हैं, तो वहां मंजीत ने अगर उनका एंकल होल्ड कर लिया तो एक्स वाई जेड बहुत सारे फैक्टर ये हो सकते हैं अपनी टीम के लिए। और आप लोग अपने फैक्टर्स बनाए रखिए, एक्सचेंज 22 की ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं की है तो जल्दी से कीजिए और उसमें कबड्डी को दबाइए, आज के दोनों मैचेस खोलेंगे, उनको क्लिक कीजिए और
मेरे अनुसार कौन से खिलाड़ी खरीदने हैं वो भी नोट कर लीजिए। यू मुंबा के लिए आपके पास आशीष जरूर होने चाहिए और सुरेंद्र को भी जरूर ले लीजिए। जयपुर पिंक पैंथर्स के लिए आपके पास अर्जुन देसवाल डेफिनेटली होने चाहिए, साथ में दो डिफेंडर अंकुश राठी और सुनील जो उनके राइट कवर हैं उनको जरूर लीजिए। पटना पायरेट्स में सचिन जरूर आपके पास होने चाहिए और चूंकि सामने दो राइट रेडर हैं हरियाणा के तो मुझे ऐसा लगता है कि पटना के लेफ्ट कॉर्नर शादलू की पार्टी हो सकती है, उनको ले लीजिए। हरियाणा के लिए मीतू मंजीत की जोड़ी और साथ में मोहित नांदल और जयदीप, ये चार खिलाड़ी आप ले सकते हैं, लेकिन अपने विवेक का इस्तेमाल करना मत भूलिएगा और नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा जो बहुत प्रोत्साहित करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।